अब सारे students third and the final phase में आ आ चुके चुके हैं 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 के तो इस पे पे उनके लिए बेस्ट प्लान क्या होना चाहिए? वो बच्चे जैन से फैप से लगातार लगे हुए हैं और एंड पे आ चुके हैं। अब नहीं कवर हो सकते बट उसका जो भी है जैसे कोर्स हो गया क्लासेस हो गया जो नए बच्चे हैं या फिर अभी ज्वाइन किया है एक महीने पहले ज्वाइन किया है बैकलॉग भी है साथ में तो उनके लिए सबसे बेस्ट मेथड है एज़ अब सारे स्टूडेंट्स थर्ड एंड द फाइनल फेज में आ चुके हैं प्रिपरेशन के तो इस टाइम पे उनके लिए बेस्ट प्लान क्या होना चाहिए और अगर प्लान की बात करें तो अपन इसको दो पार्ट्स में करते हैं फर्स्ट विल भी जिन बच्चों को अब बस रिविजन करना है और जो आने वाले करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करना है सेकेंड कैटेगरी है जिनके पास बैकलॉग भी है रिविजन भी करना है और साथ साथ अपडेटेड भी रहना है ओके okay, तो बात करेंगे वो बच्चे जैन से फैप से लगातार लगे हुए हैं और अक्टूबर एंड पे आ चुके हैं ठीक तो आप लोगों को मतलब जो फर्स्ट कैटेगरी वाले बच्चे हैं तो आप लोगों को प्रॉपरली से रिवीजन रिविजन पे ज्यादा फोकस करने ठीक है और क्वांटिफिकेशन ऑफ टॉपिक ये बात मैंने शायद किसी वीडियो हाँ। में कही भी है कि क्वांटिफिकेशन ऑफ टॉपिक अब आपको करना चाहिए सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वांटिफिकेशन तो लाइक like अगर हम बात करें इंटरनेशनल अफेयर्स की सो इन इंटरनेशनल द थिंग्स दे मूव एट अ स्नेल स्पेस बहुत ही धीरे धीरे चीज़ें मूव करती हैं तो इसलिए बच्चे का उतना इंटरेस्ट नहीं रहता कि यार अभी ये हुआ अब ये हुआ अब ये, 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 ये हुआ तो इसको क्वांटिफाई कैसे करें तो आई थिंक अब सितंबर और अक्टूबर ऐसे मंथ्स आएंगे जहां पे आपको पुराने जो टॉपिक्स हैं जिन पे लगातार चीजें चली जा रही थी कंटिन्यूली uh, उसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा था अब उनका क्वान्टिफिकेशन करने की आपको जरूरत है सेकेंडली अब रिविजन फेज आपने पहली कोई चीज़ पढ़ी है जैन में फैव में आपने कोई टॉपिक पढ़ा लाइक अगर हम बात करें एंट्रम बजट की तो फैव में आया था और इस बार अब फुल फ्लेज बजट आ गया तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है दोनों को मर्ज करते हुए यहाँ पे साथ में अपना रिवीजन करना है ठीक है तो रिवीजन प्रॉपरली करते चलिए थोड़ा सा हर टॉपिक पे जो भी टॉपिक्स आपने पुराने कवर किए हैं उसमें देखिए क्या उसमें कोई अपडेट हुआ है आपके नोट्स प्रॉपर हैं कि नहीं 10 15 मिनट की खुद से रिसर्च कीजिए हर टॉपिक पे कि यार इस पे और क्या बन सकता है इस पे और कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो थोड़ा सा आपको उस में काम करने की जरूरत है सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का कि जो नए बच्चे हैं या फिर जो अभी किया है, एक महीने हाँ। तो आप तो है? है। तो आप, आपकी एक डेली क्लास हो रही है हाँ। एक करंट अफेयर्स की तो एक डेली वाली क्लास देखिए और एक पुरानी वाली क्लास देखिए ठीक है तो इससे आप पुराना बैकलॉग पूरा तो नहीं बट आप बहुत कुछ आप कवर कर सकते हैं तो दो क्लास डेली देखिए सबसे पहली चीज होगी और आई थिंक क्लास इज द बेस्ट सोर्स टू कवर एनी टॉपिक अगर आपने क्लास से वो टॉपिक कवर किया तो फिर आई थिंक उससे बाहर नहीं पूछा जाना चाहिए उसके बाद प्रोबेबिलिटी कम बनती कम है, है। किसी भी टॉपिक के उससे बाहर क्वेश्चन आने की तो एक करंट वाला जो क्लास चल रही है उसे कवर कीजिए एक बैकलॉग वाली क्लास को कवर कीजिए सेकंड थिंग वुड बी कि क्लैट पोस्ट पे बहुत फोकस कीजिए अगर आपके पास बैकलॉग है तो क्लैट पोस्ट में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको अच्छे से कवर कीजिए और क्लैट पोस्ट को कैसे कवर करना है अगेन सेम वही रिवर्स ऑर्डर में लाइक अभी जुलाई की जुलाग क्लैट के पोस्ट सबसे पहले फिर जून फिर मई फिर अप्रैल फिर मार्च ऐसे रिवर्स ऑर्डर में आप क्लैट पोस्ट को कवर कीजिए क्योंकि अगर आपने क्लैट पोस्ट पढ़ी हुई है तो फिर आपसे टॉपिक छूटेगा नहीं चाहे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चाहे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो उसमें सब सारे सारे सब दिया हुआ है सब हुँ. मतलब पचास टॉपिक आ रहे हैं तो ये बच्चों की थोड़ी सी कंप्लेन भी रहती है कि सर आ, इसमें इतना माइनर टॉपिक भी है आ आ हाँ, सकता सकता है है क्या क्योंकि हाँ क्योंकि लास्ट ईयर उसके पहले आए हैं ऐसे टॉपिक्स जिनकी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी रेलिवेंस नहीं थी बट क्लैट में फिर भी पूछ लिया गया तो अगर आप क्लैट पोस्ट से टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं तो आई थिंक वो एक मेजोरिटी ऑफ द टॉपिक्स जो है मेजर माइनर वो सब आपके कवर हो जाएंगे तो क्लासेस कवर कीजिए पोस्ट को कवर कीजिए न्यूज पेपर कवर करना अब उतना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि न्यूज छूटा तो हुआ, हुआ मतलब

ट्वेंट नवंबर तक तो हम कवर करेंगे ठीक है लास्ट दस दिन का छोड़ देंगे बट ट्वेंटी नवंबर तक तो प्रॉपर होना cover ही चाहिए क्योंकि आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर एक पैसेज ऐसा आया था तो बच्चे ये बोल रहे थे कि सर ये तो बिल्कुल अभी खत्म हुआ है फीफा एंड हुआ हाँ। और फीफा के तुरंत बाद उन्होंने क्वेश्चन हाँ। पूछ लिया तो नहीं ऐसा नहीं था वो फीफा स्टार्ट पहले हो गया था ठीक है वर्ल्ड कप फुटबॉल वर्ल्ड कप स्टार्ट पहले हो गया था, था हुँ। और जो पैसेज आया था वो हाँ। कंट्रोवर्सी से रिलेटेड था तो उस टाइम से रिलेटेड था बट हाँ। बच्चों को लगा कि सर बिल्कुल एक दिन पहले का पैसेज कैसे पूछ सकते हैं तो नहीं आपको दस दिन पहले तक का आप करंट अफेयर्स पढ़िए उसके बाद दस, लास्ट दस दिन के लाइक ट्वेंटी नवंबर से लेके लेकर नवंबर तक का आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है तो बीस नवंबर इज द लास्ट डेट कट ऑफ डेट ओके, ओके।